हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल द बैक बेंचर और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई है आप यहां पे विजुअल में देख सकते हैं ये क्रैश साइट है जहां पे जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जिस टाइम मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आप विजुअल में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पुलिस हैं जो लोकल्स के साथ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं तो चलिए इस इंसिडेंट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट से पहले शुरुआत करते हैं तो आज सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पहला ट्वीट आया जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वॉज ऑन ए विजिट टू अ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स टू एड्रेस द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टाफ कोर्स टूडे तो यहां पर फर्स्ट थ्रेड में उन्होंने बेसिकली हमें यह बताया कि जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ जा रहे थे और विजिट टू तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज दैट इज इन वेलिंगटन नीलगिर हिल्स

जनरल बिपिन रावत मिस्ट्रेस मधुलिका रावत ये जनरल बिपिन रावत की वाइफ का नाम है एंड इलेवन अदर पर्सन है अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट यहाँ पे इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि जनरल बिपिन रावत उनकी वाइफ और उनके साथ साथ और जो इलेवन पर्सन थे उनकी डेथ हो गई है

उसके पायलट का नाम था विंग कमांडर पृथ्वी of और इस हेलीकॉप्टर ने जिसमें जनरल विपिन रावत थे उसने सुल्लू से ऑफ किया था जो कोयम्बटूर में है टू डीएससी इन वेलिंगटन जहां पे जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम एम न से ही मिलने वाले बट अनफॉर्चुनेटली चॉपर बीच में क्रैश कर गया और कोई रीजन अभी तक बताया नहीं गया है जहाँ तक रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी वहां पे मौसम बहुत खराब था काफी ज्यादा फॉग था जिसके कारण चॉपर क्रैश कर गया लेकिन अभी कोई रीजन बताया नहीं गया है क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर था काफी एडवांस हेलीकॉप्टर था इसलिए इसकी नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छी थी सो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं बता सकते कि ये चॉपर किस लिए क्रैश किया यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने कुछ नाम जारी कर दिए हैं जो उस हेलीकॉप्टर में थे दैट इज पहले जनरल विपिन रावत और उनकी वाइफ दैट इज मिस्ट्रेस मधुलिका रावत और उनके साथ साथ ब्रिगेडियर एल एस लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह नायक गुरसेवक सिंह नायक जितेंद्र कुमार लांस नायक विवेक कुमार लांस नायक बी साई तेजा एंड हवलदार सतपाल ये कुछ नाम हैं जो उस समय उस हेलीकॉप्टर में थे और साथ ही साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि बस एक ही लोन सर्वाइवर है दैट इज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दैट इज द डायरेक्टिंग स्टाफ एट डीएसएससी उनको अभी एडमिट कर दिया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में ये सभी बातें इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली बताया है अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौपर क्रैश कैसे हुआ क्या उसमें कोई टेक्निकल इश्यू थी या कुछ खराबी थी जिसका पता नहीं चल पाया तो कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चल रहा है कि जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था उसका पूरा चेकअप किया गया था बिफोर फ्लाइंग और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका चेकअप होगा क्योंकि वो एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर था और वो कोई एरा गरा हेलीकॉप्टर नहीं था उस हेलीकॉप्टर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी उन्होंने भी बहुत बार यूज किया है और यूज करते हैं एम आई सेवनटीन वी फाइव का इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एम आई सेवनटीन वी फाइव हेलीकॉप्टर ये ज्यादा कर आर्मी ऑपरेशन में काम आता है दैट इज ए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पे आप उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं ये बहुत ही टफ सिचुएशन में इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है ये काफी एडवांस हेलीकॉप्टर है रेस्क्यू मिशन में भी काफी यूज किया जाता है किसी भी रीजन में जा सकता है या मिलिट्री के जो आर्म्स हैं या ट्रूप्स हैं उनको भी ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करता है और ये कम से कम एडवास कंडीशन में भी बहुत ज्यादा वेट उठा सकता है किसी भी कंडीशन में मेरी में डेजर्ट में या किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में इसमें सर्च लाइट एंड इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजी भी इक्विप्ड है और ये आप एक और इमेज देख सकते हैं MI आई वी फाइव का और उसके स्पेसिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक रशियन हेलीकॉप्टर है जिसे कज़ान हेलीकॉप्टर ने प्रोड्यूस किया है और ये इंडियन एयरफोर्स में 17 फरवरी 2012 में इंडक्ट किया गया था और MI आई सेवेंटीन

अभी डेट इस हेलीकॉप्टर को एटलीस्ट सिक्सटी कंट्रीज यूज कर रही है तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि एक पुराना हेलीकॉप्टर था जिसके कारण क्रैश हो गया बट have lost अ वेरी ब्रेव सोल्जर ऑफ our कंट्री दैट इज जनरल बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था एंड ही from फ्रॉम अ हिंदू Rajput राजपूत फैमिली एंड मोस्ट he was द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया एंड इंडिया के ट्वेंटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और उन्होंने अभी तक के अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट एंड ऑपरेशन किए एंड ही अक्रॉस वाइड एक्सपेक्ट्रम ऑफ कॉम्बैट एंड कंफ्लिक्ट सिचुएशन ही हीज कमांडेड एन इन्फेंट्री बटालियन अलांग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न सेक्टर एंड द राष्ट्रीय राइफल सेक्टर इन द कश्मीर वैली ही हैज कमांडेड इन ए मल्टी नेशनल ब्रिगेड इन ए चैप्टर सेवन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ही टू कमांड एन इन्फेंट्री डिवीजन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर And was Commander in the important assignment or operation रावत के जनरल बिपिन रावत ने आर्मी के बहुत सारे रैंक पे काम किया है सबसे पहले नाइनटीन सेवेंटी एट सिक्स दिसंबर सेवेंटी एट को उन्हें सेकेंड लेफ्टिनेंट बनाया गया था उसके बाद 16 दिसंबर 1980 को लेफ्टिनेंट एंड फिर 31 जुलाई 1984 को कैप्टन और उसके बाद मेजर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उसके बाद अगेन कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर इन 2007 एंड मेजर जनरल इन 2011 एंड लेफ्टिनेंट जनरल इन 2014 एंड जनरल इन 2017 एंड फाइनली सीडीएस दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2019 31 दिसंबर 2019 ही वाज रियली अ वेरी ग्रेट सन ऑफ आवर मदर इंडिया बट अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ अब नहीं है सो एज इंडियन वी सैल्यूट आवर ब्रेव सोल्जर जनरल बिपिन रावत फॉर आवर कंट्री और जाते जाते कुछ लाइने एज ए ट्रिब्यूट टू हिम जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता